बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। थर्ड क्वेश्चन है आपका लॉग 10 500 माइनस 2। तो जब भी आपके पास एक वैल्यू हो लॉग में और सेकंड आपको नंबर में है, तो पहले आपको कन्वर्ट करना है इस चीज को लॉगरिदम में। इनको लॉगरिदम में कैसे कन्वर्ट करते हैं देखिए, लॉग 10 500 इनको हम किस तरह से लॉगरिदम में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले तो यहां देख लीजिए बेस कौन सा है, 10 है, तो वही 10 को यहां रख देते हैं। फिर ये वैल्यू अगर 10 रखते हैं तो इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी और उनको पावर में दे दिया 2। तो अब देखो इनको अगर कन्वर्ट करोगे आप तो भी आंसर आपका क्या आने वाला है, 2, और log 10 आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो आंसर 2 बन गया इनका। तो 2 के बदले आप लॉगरिदम में इनको इस तरह से लिख सकते हो। अब बात करते हैं इनको 10, ये है 500 और ये बन जाएगा आपका 100। अब दोनों में बेस सेम है और बीच में है माइनस, तो आप क्या कर सकते हो, 500 डिवाइडेड बाय 100, द आंसर विल बी log ऑफ 10 एंड 5। तो आपका कौन सा सही आंसर हो जाएगा, आपका सी इज द करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आपको फिर से यही रिपीट करके बता रहा हूँ, आपको जनरेट करना है रिलेशन बिटवीन दी टू गिवन पॉइंट्स। ओके, यहाँ पे लॉगरिथम में, यहाँ पे लॉगरिथम नहीं है, तो आपको जजमेंट लेना है किस तरह से इनको लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ आंसर्स आपको दे दिए गए हैं इन टर्म्स ऑफ लॉगरिथम, तो उनको कन्वर्ट करना आपको आसान से आना चाहिए। तो ये चीज आपका बन जाएगा क्वेश्चन 1 का थर्ड है, जिसका भी कंटेंट है 1 मार्क्स। तो ये 3 मार्क्स आपको मिल गए। अब बात करेंगे नेक्स्ट में क्वेश्चन 2 में, जिसमें आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।